बाकी अनेकानेक व्यवसायों की तरह खेती भी एक व्यवसाय है और ये व्यवसाय के तौर पर ही की जाती है। फिर व्यवसाय के नियमानुसार अपेक्षाकृत ज्यादा मांग वाले उत्पादों का उत्पादन, ऊंचा दर्जा, श्रेणी निहाय पैकिंग, पणन तथा मार्केटिंग, इन सब का अंतर्भाव इसमें भी है। इस प्रकार से की जाने वाली खेती को ही व्यवसाय कह सकते हैं। आज के इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में व्यावसायिक खेती अपनी अलग पहचान बना रही है। विलायती फूलों के उत्पाद के लिए उपयुक्त पॉली हाउस इसी का एक अंग है। सामान्यतः विलायती फूलों की खेती पॉली हाउस के सहारे की जाती है। पॉली हाउस अर्थात ग्रीन हाउस यानी हरित गृह। हालांकि इन फूलों को खुले आसमान के नीचे उगा सकते हैं, लेकिन ऐसे में निम्न श्रेणी का उत्पाद मिलता है। अब इस गुलाब को ही देख लो, ये पॉली हाउस में तैयार हुआ गुलाब है। गेंदेदार, 100% निर्यात योग्य, इस श्रेणी के उत्पाद के लिए पॉली हाउस जरूरी है। जमीन पे पॉली हाउस बनाकर उसमें इन आधुनिक फूलों की उपज या खेती की जाती है। इस पॉली हाउस खेती के विषय में दो प्रमुख मुद्दे सामने आते हैं। एक तो ये पॉली हाउस चीज है क्या, और दूसरा इसमें खेती कैसे की जाती है। पॉली हाउस लोहे की पाइपों से बनी एक संरचना है जो प्लास्टिक के पेपर से आच्छादित है। इसका आकार एरोडायनामिक यानी गतिशील हवा का दबाव कम करने वाला होता है। इसी विशिष्ट आकार के कारण औसतन 140 मील प्रति घंटा की तेजी से बहती तूफानी हवा भी इस संरचना को हिला नहीं सकती, बल्कि इससे फिसल कर बिना आघात किए निकल जाती है। यहाँ तक कि ऊपरी आवरण यानी प्लास्टिक पेपर भी बिना फटे ऐसी हवाएं झेल सकता है। इस पॉली हाउस की रचना हवा की दिशा के अनुसार की जाती है। पॉली हाउस लोहे के गैल्वनाइज पाइपों से बना होता है। लोहे के ऊपर एक सुरक्षा परत होने के कारण गैल्वनाइज पाइप जंग नहीं पकड़ते। पॉली हाउस के अंदर की हवा और मिट्टी में गीलापन ज्यादा देर टिकता है। इससे आम लोहे के पाइपों में जंग लगने का डर होता है। लकड़ी तो इन हालात में सड़ जाती है। सिर्फ गैल्वनाइज पाइप अपनी ऊपरी सुरक्षा परत के कारण 10-15 साल तक आसानी से टिकते हैं। इस संरचना के लिए सबसे पहले आरेखन अनुसार फाउंडेशन पाइप खड़े किए जाते हैं। जमीन में गड्ढे खोदकर इनमें फाउंडेशन पाइप सीमेंट कंक्रीट के सहारे बिठाए जाते हैं। फाउंडेशन पाइपों के ऊपर कॉलम पाइप खड़े किए जाते हैं। संरचना के ऊपरी हिस्सों में अर्धगोलाकार गुंबजनुमा कमाने होती हैं। ये कमाने जिन पाइपों पर टिकती है उन्हें बॉटम कहते हैं। दो कमानों के बीच लोहे की चादर से बनी एक नाली होती है जिसे गटर कहते हैं। बारिश का पानी इस गटर से होकर बाहर निकल जाता है। पॉली हाउस के ये गटर पूरी लंबाई के होते हैं। इनमें छेद या जोड़ होना मुनासिब नहीं, अन्यथा इन छेदों से पानी नीचे गिर सकता है। पॉली हाउस की ऊंचाई एक अहम मुद्दा है। जितनी ज्यादा ऊंचाई हो उतना ही अच्छा है। जमीन से गटर तक की ऊंचाई को पॉली हाउस की ऊंचाई माना जाता है। सामान्यतः यह 4 से 5 मीटर होनी चाहिए। कमानों के शीर्ष स्थल से जमीन का अंतर 6.5 मीटर होता है। पॉली हाउस का आच्छादन विशिष्ट रूप से बनाई गई तकरीबन 200 माइक्रोन की मोटी प्लास्टिक फिल्म होती है। यह एक छलनी का काम करती है। जब सूर्य प्रकाश इससे होकर गुजरता है तो उसके विनाशकारी घटक यानी अति नील, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों को परावर्तित किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों की लहरें 100 से 380 नैनोमीटर की होती है। इनसे रोग तथा कीटकों की तकलीफ बढ़ती है। 700 नैनोमीटर लहरों वाली इंफ्रारेड किरणें गर्मी बढ़ाती है और इसीलिए हानिकारक सिद्ध होती है। 400 से 700 नैनोमीटर लहरों वाली किरणें विशेष लाभकारक होती है। पॉली हाउस संरचना के ऊपर प्लास्टिक फिल्म खींच के लगाई जाती है। इस काम में एल्यूमिनियम ग्रिपर का उपयोग होता है। पूरी तरह जम के खींची हुई प्लास्टिक फिल्म कांच की तरह दिखती है। अगर कहीं प्लास्टिक फिल्म ढीली पड़ गई तो बहती हवा इसमें घुसकर उसे फाड़ सकती है, जिससे फसल का नुकसान हो सकता है। पॉली हाउस के लिए उपयुक्त प्लास्टिक फिल्म बाहर के देशों से आयात की जाती है। एक बार लगाई हुई फिल्म 3 साल तक काम देती है, बाद में इसे बदलना पड़ता है। पॉली हाउस की चारों तरफ
पर्दे होते हैं। ये स्थिति अनुसार नीचे गिरा सकते हैं या ऊपर खींच सकते हैं। दिन में पॉली हाउस का तापमान बाहर की तापमान की तुलना में बढ़ जाता है, जिसे पर्दों के सहारे कम किया जा सकता है। पर्दों से ठंडी हवा अंदर आती है और गर्म हवा ऊपरी निकासों से बाहर चली जाती है। इस प्रकार पॉली हाउस का तापमान नियंत्रित रहता है। तापमान के 32 या 33 अंश के ऊपर चले जाने पर पर्दे बांध कर रख सकते हैं। दिन में पर्दे बांधे रहते हैं और रात में गिराए दिए जाते हैं। रात में पर्दे गिराने से विशेष लाभ होता है। पौधे दिन में ऑक्सीजन तथा रात में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। रात में पौधों द्वारा उत्सर्जित ये कार्बन डाइऑक्साइड पॉली हाउस में संचयित होता है, जिसे पौधे दिन में अपनी वृद्धि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खुले वातावरण की अपेक्षा पॉली हाउस में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा मिलती है, जिससे सकल उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होती है। पॉली हाउस में आर्द्रता और तापमान के नियंत्रण के लिए फॉगर्स का इस्तेमाल होता है। इन फॉगर्स से 100 से 150 माइक्रोन आकार के पानी के तुषार गिराए जाते हैं। ये तुषार हवा में घुल जाते हैं। इनके हवा में घुलने के लिए फॉगर्स का ऊंचाई पर होना जरूरी है। फॉगर्स से तापमान में गिरावट तथा आर्द्रता में वृद्धि होती है। थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर जैसे उपकरणों से इनका निरीक्षण किया जा सकता है। फॉगर्स के ज्यादा देर चलने पर आर्द्रता में वृद्धि होके रोगमूलक फंगस पैदा होती है, इसीलिए दिन में फॉगर्स थोड़ी देर ही चलाएं। आमतौर पर पॉली हाउस खेत में ऊंचे टीले नुमा जमीन पर बांधे जाते हैं। इससे वर्षा में पानी के अंदर घुसने का डर कम होता है। पॉली हाउस में शेडिंग नेट के जरिए पौधों को छाया दी जाती है। शेडिंग नेट सफेद होती है, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती है और सरकती होने के कारण जरूरत के अनुसार ये बंद करके रख सकते हैं। एक बीघे के छोटे पॉली हाउस से शुरुआत की जा सकती है। इससे छोटा पॉली हाउस फायदेमंद नहीं हो सकता। ये फसलें मिट्टी और पानी के बारे में अति संवेदनशील होती है। 5.5 से 6 pH की मिट्टी इनके लिए अच्छी होती है। ऐसी मिट्टी अपने खेत में ना होने पर बाहर से मंगवाई जाती है। मिट्टी से पानी का निपटारा जल्दी होना जरूरी है। इसमें गोबर का खाद मिलाया जाता है। मिट्टी से होने वाले रोगों के प्रभाव की मुक्ति के लिए मिट्टी को निर्जंतुक किया जाता है। इस काम में प्रमुखतः फॉर्मेलिन का उपयोग होता है। फॉर्मेलिन का द्रावण तैयार करके पानी से भिगोई गीली मिट्टी पर झाड़ी से छिड़क दिया जाता है। फॉर्मेलिन छिड़कने के तुरंत बाद मिट्टी पॉलीथीन से ढक दी जाती है। मिट्टी में घुले फॉर्मेलिन का बाष्प में रूपांतरण होता है। ये बाष्प जहरीला होने से मिट्टी में उपजने वाले रोगमूलक कृमि कीटकों को नष्ट करता है। फॉर्मेलिन से कुमथे के फंगस मर जाते हैं। निमेटोड, सफेद लड़ ऐसी अन्य अन्य कीटे मिट्टी के अंदर हो सकती है। फॉर्मेलिन बाष्प मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए यह मिट्टी से ऊपर ना आए इसके ठीक इंतजाम किए जाते हैं। पॉलीथीन की चादर को खींच के मिट्टी के ऊपर बिछाया जाता है। इसमें छेद ना हो इसकी ओर खास ध्यान दिया जाता है। मिट्टी को निर्जंतुक करने की यह प्रक्रिया 7 दिन तक चलती है। उसके बाद पॉलीथीन निकाल के मिट्टी धोने के लिए उसमें पर्याप्त पानी छोड़ा जाता है। इसके 2 हफ्ते बाद पौधों के लिए बेड तैयार करना शुरू होता है। पौधे ऊंचे बेड़ों में लगाए जाते हैं। एक आदर्श बेड 2 फीट ऊंचा और उतना ही चौड़ा होता है। 2 बेड़ों के बीच में 1 फीट की जगह छोड़ी जाती है। इन बेड्स को तैयार करते वक्त टपक तथा ड्रिप की एक कठिन रचना बिछानी पड़ती है। इसकी मुख्य तथा उपमुख्य यानी सब मेन लाइनें जमीन में गाड़ दी जाती है। सभी पौधों को एक समान पानी और खाद देना आवश्यक है। जी हाँ, खाद भी ड्रिप द्वारा ही दिए जाते हैं। ड्रिपर के बीच का फासला पौधों के अंतर पर निर्भर होता है। कुछ कुछ जगहों पर मिस्टर्स लगाए जाते हैं, जिनकी लैटरल पाइपलाइनें बिछानी पड़ती है। मिस्टर्स भी फॉगर्स की तरह आर्द्रता निर्माण करते हैं। टपक या ड्रिप की सिस्टम लगाते वक्त
फिल्टर्स, प्रेशर गेज, खाद की टंकी तथा वेंचुरी, इन संसाधनों का सुनियोजित मेल लगाना होता है। बेड़ तैयार हो चुके हैं। गलती से भी तैयार बेड़ों के ऊपर से चलना नहीं चाहिए। इससे बेड़ों की मिट्टी की बनावट में बदलाव आता है। पानी देने के बाद बेड़ ज्यादा पक्के ना हो, इस तरह से मिट्टी की बनावट बनाए रखना है। तैयार बेड़ों में पौधे लगाए जाते हैं। जरबेरा के पौधे एक बेड़ में दो कतारें इस हिसाब से लगाने होते हैं। दो कतारों के बीच 1.25 फीट तथा दो पौधों के बीच 1 फीट का फासला रखते हैं। पौधों की लागत करते समय काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। पौधों के मूल या जड़ें नाजुक होते हैं, इन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। पौधों के तने जमीन से 1 या 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए, क्योंकि जड़ें जमीन में इन तनों को खींच लेती है। लागत के बाद के 4 या 5 हफ्तों में मिट्टी में गीलापन ज्यादा रखा जाता है। लागत के तुरंत बाद झाड़ी से पानी दिया जाता है। जड़ों की जमकर वृद्धि होने के लिए 4-5 सप्ताहों तक झाड़ी से ही पानी दिया जाता है। हर पौधे को हर रोज 700 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। बेड़ों का बारीकी से निरीक्षण किया जाने पर पानी देने की जरूरत का पता चलता है। पौधों को दोपहर 12 बजे से पहले पानी दिया जाता है। जरबेरा में कई रंग होते हैं। बाजार के हालात देखकर अच्छी किस्म का चुनाव करना चाहिए। पहला फूल खिलने में 7 या 8 सप्ताह लग जाते हैं। पौधे लगभग 2.5 साल तक फूल खिलाते हैं। 1 स्क्वायर मीटर की इकाई में 6 पौधे होते हैं, जिनसे औसतन 240 फूल मिलते हैं। फूल के पूरी तरह खिलने के बाद शाम के वक्त उसे तोड़ा जाता है। जरा सा खींचने पर फूल आसानी से हाथ आते हैं। 10 या 12 सेंटीमीटर डायमीटर और 45 से 55 सेंटीमीटर की लंबाई वाली डंडी के फूल अच्छे दर्जे के कहे जाते हैं। ये फूल 8 से 10 दिन तक ताजे रहते हैं। इनको बक्सों में भरा जाता है। 94 सेंटीमीटर लंबा, 34 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर ऊंचा बक्सा ठीक होता है। पॉलीहाउस में फसल के लिए अनुकूल वातावरण होता है, लेकिन साथ ही ये कीट के लिए भी पोषक साबित होता है, खासकर व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर, थ्रिप्स तथा माइट्स आदि कीटों के लिए। इनके नियंत्रण तथा अन्य सूचनाओं के बारे में पौधे तैयार करने वाली कंपनियां अधिक जानकारी दे सकती हैं। पॉलीहाउस का दूसरा महत्वपूर्ण फूल यानी कार्नेशन। कार्नेशन के पौधों को सहारे की जरूरत होती है। लोहे के खंभे और तारों से इन्हें सहारा दिया जा सकता है। कार्नेशन के लिए 3 फुट चौड़े बेड़ किए जाते हैं, जो 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचे होते हैं। 1 स्क्वायर मीटर इकाई वाले बेड़ में 40 पौधे लग सकते हैं। उनकी वृद्धि के अनुसार सहारे के लिए जालियों की 4 या 5 परतें लगाई जाती है। पौधों के वृद्धि के अनुसार सहारे के लिए लगाई जाने वाली जालियां तथा टपक की लैटरल पाइपलाइनों का नियोजन किया जाता है। फूलों की छटाई नुकीले चाकू से की जाती है। छटाई के बाद फूलों की डंडियां एक समान काटी जाती हैं। ऐसे कटे हुए फूल 10 या 12 की गड्डियों में रबर बैंड से बांधे जाते हैं। फूलों की ये गड्डियां बाद में बक्सों में पैक करके बाजार के लिए तुरंत ही रवाना होती है। पॉलीहाउस में गुलाब की लागत बेड़ों में या गमलों में की जाती है। गमलों में कोकोपीट भर के बडिंग की हुई टहनियां लगाई जाती है बिना मिट्टी के, यानी मिट्टी रहित खेती। पॉलीहाउस में लंबे डंडी के गुलाब मिलते हैं। कलियों की डंडियां लंबी हो, इसलिए इन्हें मोड़ दिया जा सकता है। ये गुलाब का पैकिंग हाउस है। यहाँ श्रेणी निहाय वर्गीकरण किया जाता है। अच्छे फूलों का उनकी डंडी के लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। फूलों से कांटे और बेकार पत्ते निकाले जाते हैं। फूलों को शीत गृह में रखा जाता है और इनका वहन भी वातानुकूलित वाहनों से किया जाता है। फूलों के साथ शिमला मिर्च की लागत भी पॉलीहाउस में की जाती है।
इसके लिए ऊंचे बढ़ने वाली लताओं की किस्मों का उपयोग होता है। इन लताओं को रस्सियों से बांधकर सहारा दिया जाता है। यह है कैप्सिकम यानी रंगीन शिमला मिर्च, ज्यादातर सलाद में इस्तेमाल होती है। इसे पिज्जा जैसे विलायती खानों में भी उपयोग में लाते हैं। इन्हें बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। कुल मिला के देखा जाए तो पॉलीहाउस खेती कोई कठिन बात नहीं, कुछ नई बातें हैं जरूर। पॉलीहाउस बनाने वाली कंपनियां टर्न की बेसिस पे पॉलीहाउस बांध के देती हैं। कई लोग संस्थाएं मदद के लिए आगे आते हैं। अगर हम पौधों से संवादी रह सके तो उनकी जरूरत जान सकते हैं। पौधे सीधी बात करते हैं। पॉलीहाउस में पांव रखते ही वो बताते हैं कि उनकी निगरानी ठीक हो रही है या नहीं। तकनीक का विकास निरंतर होता रहता है। अपने विकसन के इस सफर में तकनीक वहनीयता के मुकाम को पार करती है। ऐसे में अपनी सुख वृद्धि के लिए तकनीक का उपयोग हितावह है। फूल निसंशय आनंद देते हैं और पॉलीहाउस में खिले फूल तो प्रकृति की असीम रचना का प्रतीक लगते हैं, जैसे इस आनंद को दुगना करते हो।